एवरीवन, दिस इज निव्या भुवन। वेलकम टू बीइंग बैंकर विद निव्या। गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों की। तो आज के दौर में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहते होंगे, है ना। सो जो भी हमारे लव्ड वंस हैं उनसे जुड़ने का एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है हमारी जिंदगी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वो हमारे सिक्योरिटी के लिए भी काफी खतरनाक है। जी हाँ, आपने तो बहुत बार सुनी रखा होगा सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जिसका यूज करके आप अपने सोशल मीडिया हैंडल को और ज्यादा सिक्योर बना सकते हो। सो अगर हम लोग सही तरीके से सोशल मीडिया का यूज नहीं करते हैं तो हमारा हर एक डेटा लीक हो सकता है। कोई भी हमारे पर्सनल डेटा को चोरी कर सकता है। तो आज आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे फेसबुक की। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स कभी भी अगर आपने सर्च किए होंगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट, पेटीएम या कुछ भी समथिंग, कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे, तो उसका हर एक प्रोडक्ट का एड फेसबुक पे कैसे आपको बाद में दिखाता है, फेसबुक के पास कैसे आती है ये सारी इन्फॉर्मेशन, कभी आपने सोचा है। हमारे पेटीएम, हमारे गूगल पे, हमारे फोन पे, हमारे व्हाट्सएप, आपने जो भी जहां पर भी सर्च किया सभी का डेटा फेसबुक के पास जाकर के वहां पर सेव हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और यहीं से शुरुआत होती है खतरे की, जहां पर कोई भी जाकर के हमारे पर्सनल डेटा को लीक कर सकता है, हमारे अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी वहां पर से लीक कर सकता है, उठा सकता है, हैक कर सकता है हमारे अकाउंट्स को। तो ये कैसे होता है फेसबुक में? फेसबुक जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो सिर्फ इंस्टॉलेशन का काम नहीं होता है, इंस्टॉलेशन के बाद भी आगे का प्रोसेस होता है जो हम लोग नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि या तो हमें पता नहीं होता या फिर हम लोग उस बातों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। आज मैं आप लोगों को इसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे एक छोटी सी सेटिंग में चेंज करके आप अपने सारे डेटा को सिक्योर कर सकते हो एक बहुत ही आसान तरीके से। तो अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके करीबी लोग हैं उनके साथ में भी जरूर इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, ताकि आपके लव्ड वंस अपने सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपने सारे डेटा को सेव एंड सिक्योर करके रख सके। ठीक है, तो मैं आपको लाइव करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप फेसबुक में जाएंगे और क्या क्या चेंजेस आपको करने की जरूरत है अपने फेसबुक अकाउंट पे। ध्यान से देखिएगा गाइज, एंड जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। सो चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या सेटिंग करनी है, कैसे चेंजेस करनी है। आप सबसे पहले अपने मोबाइल में फेसबुक ओपन करें। जो आपको 3 लाइन्स दिख रहे हैं ऑन द राइट कॉर्नर, उस पर क्लिक करेंगे आप। नीचे में आप आओगे तो आपको प्राइवेसी शॉर्टकट दिखेगा, इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और नीचे में जहां पर आपको दिख रहा है व्यू और क्लियर योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी ऑप्शन नंबर 4, आप यहां पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने जो स्क्रीन ओपन हो रहा है, मैंने ऑलरेडी अपने हिस्ट्री को क्लियर कर रखा है इसलिए आप देख सकते हो लर्न मोर के नीचे लिखा है यू हैव नो अवेलेबल एक्टिविटी टू शो एट दिस टाइम। बट आप क्या करेंगे, क्लियर हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे, ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप नीचे क्लियर हिस्ट्री करेंगे, डन, ओके। इसके बाद आपको भी सेम चीज़ें दिखेंगी, यू हैव नो अवेलेबल एक्टिविटी टू शो एट दिस टाइम। इसके बाद फ्यूचर में भी ये चीज़ आपका रिपीट ना हो, कोई भी आपकी एक्टिविटी फेसबुक के पास नहीं हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, मोर ऑप्शंस में जाएंगे, मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे। नीचे में जो आपको दिख रहा है ब्लू लाइन में मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी, आप यहाँ पर क्लिक करोगे और ये जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर वाला जो है फ्यूचर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, मैंने ऑलरेडी इसे बंद कर रखा है, बट अगर ये आप लोग का ब्लू होगा तो आप लोग भी इसे, मान लो अगर आप लोगों का ये ब्लू है तो आप लोग भी इसे बंद कर देंगे, टर्न ऑफ पे क्लिक कर देना, आपका भी ये बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप जब भी कोई एक्टिविटी करेंगे तो आपके फेसबुक में वो आपका सारा डेटा नहीं सेव होगा। ठीक है, तो आप जो भी एक्टिविटी करते हो, लाइक पेटीएम पे अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अकाउंट ट्रांजैक्शन, आपके बैंक डिटेल्स के बारे में, हर एक छोटा से छोटा एक्टिविटी आपका यहाँ पर सेव हो जाता है। सो इससे बचने के लिए, अपने अकाउंट को सेफ रखने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है और बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। सो आई होप ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़।